दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक बहुत छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ और उस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है, क्योंकि ये बहुत अच्छी कहानी है और इससे बहुत अच्छी सीख मिलने वाली है। क्योंकि लोग कहते हैं ना कि सबर के सीताराम, तो सबर है आपको तो सब कुछ है, सबर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सबर के सीताराम। तो कि एक महात्मा जी थे, बहुत मतलब गरीब थे। तो वो महात्मा जी जो है परेशान थे और उनकी कहीं कुटिया नहीं थी और कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत परेशान थे। तो एक दूसरे संत आए, उनने कहा कि ये बहुत बड़े जो है बहुत बड़े दानवीर महात्मा थे वहाँ पे। उनने बोला ऐसा करो, आप उनके पास चले जाओ, तो बहुत बड़े दानवीर वो हैं, वो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर राह देंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर करेंगे। तो उनने सुना, वो सोचा कि चलो जाएंगे। तो वहाँ वो गए तो कहने लगे गुरुजी प्रणाम, उनसे किया और वहाँ बैठ गए। गुरुजी समझ गए कि ये कुछ ना कुछ समस्या लेके आए। बोले बताइए क्या समस्या है आपकी, बोलिए। तो उनने कहा गुरुजी कुछ भी नहीं, बहुत छोटी सी एक समस्या है हमारे पास, कि मेरे पास कोई जगह ज़मीन नहीं है जिसमें हम छोटी सी कुटिया बना लें और छोटी सी कुटिया बना लें उसमें हम अपना जीवन गुजार सकें, इतनी हमारे पास ज़मीन नहीं है। तो इसलिए मैं आपके पास बहुत बड़ी आस लेके आया हूँ, तो कुछ ना कुछ हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है, कितना आपको चाहिए, कितनी आपको ज़मीन चाहिए। तो महात्मा जी बोलने लगे, सोचने लगे कि क्या करें, मतलब अपने दिमाग में ही उनके विचार आने लगे कि क्या मांगूँ। पहले सोचा कि एक मकान की जगह मांग लूँ, फिर सोचा कि एक बीघा मांग लूँ, फिर सोचा कि महात्मा तो भाई गुरु जी तो भैया बहुत बड़े दानवीर हैं, तो क्या करूँ, ज़्यादा कुछ मांग लूँ। तो गुरु जी तो बहुत मतलब जानकार, वो तो साक्षात भगवान थे, तो उन्होंने उनके पेट की भावना समझ ली, सोच ली। तो उन्होंने कहा कि सिस आप क्या कहना चाहते हैं, आप बताइए, आप जो मांगोगे वही मैं दूंगा। महात्मा जी कहने लगे कि गुरुजी कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। तो गुरुजी ने बोला कि ऐसा करो, आप सोचो मत, ऐसा करो, ये आपके सामने हमारी ज़मीन पड़ी हुई है, आप 8 घंटे के अंदर जितनी ज़मीन तक आप चलते जाओगे 8 घंटे तक जितनी ज़मीन में आप चल लोगे उतनी ज़मीन आपकी रही, और आप जाइए जितनी ज़मीन आपको चुननी है उतनी ज़मीन तक आप चल के दिखाइए, शाम तक का आपके पास समय है, 8 घंटे का उन्हें समय दिया और कहा कि आप जाइए, जहाँ तक आप पहुँच जाओगे वहाँ तक ज़मीन आपकी हो जाएगी। तो महात्मा जी सोचने लगे ठीक है गुरु जी, तो महात्मा जी चलने लगे और गुरु जी ने जो है अपने जो चेला चपाटी थे उनको साथ में भेज दिया घोड़ा लेके कि आप इनके साथ में जाइए, इन्हें प्यास लगे या ये थक जाएं या भूख लगे, सारी व्यवस्था करके उनके साथ में भेज दिया। तो ये कहा कि इनकी व्यवस्था पूरी करना, प्यास लगे तो पानी पिलाना, भूख लगे तो खाना खिलाना, थक जाएँ तो घोड़े पर बैठा लेना इनको, और मतलब इनको कोई तकलीफ ना होने पाए। महात्मा जी चलने लगे, चलते गए, भागने लगे, पहले चलते रहे, फिर थोड़े फिर तेज भए, फिर भागने लगे, भागते रहे। उनके जो है चेलों शिष्यों ने ये कहा कि ऐसा करो महाराज जी, आप पानी पी लो, आपको प्यास लगी होगी पानी पी लो। महाराज जी ने कहा नहीं, पानी नहीं पीना है मुझे, पानी नहीं पीना है मुझे, भागना है। तो भागते रहे, वो फिर आगे गए, महाराज जी हमारे गुरु का ये मतलब कहना था कि आपको भूखा या प्यासा नहीं रखना है, आप कुछ ना कुछ खा लो, प्यास लगी होगी आप पानी पी लो। तो महात्मा जी ने नहीं पानी पिया, मतलब उनके दिमाग में यही था, उनके दिल में ये था कि मैं जितना भाग लूँगा, जितनी जल्दी जितनी जगह कवर कर लूँगा उतनी जगह हमारी हो जाएगी। तो इसलिए महात्मा जी भागते गए तो मतलब इतना मतलब जहाँ तक
सोचते रहे रास्ते में गड्ढे आते हैं, खाई आती है, सब कुछ आता है, फूलते फानते हुए गिरते हैं, फिर उठ जाते हैं, गिरते फिर उठ जाते हैं, भागते रहे। भागना उनने बंद नहीं किया क्योंकि उनके आत्मा में संतोष नहीं था, मतलब कोई मतलब ऐसा नहीं था कि चलो जो है उतने में संतोष नहीं थे, क्योंकि इसीलिए वो भागते रहे। एंड में आके शाम का समय हो गया, उनने सोचा कि मुझे लौट के भी तो जाना है गुरुजी के पास, क्योंकि उतने ही समय में जाके और गुरुजी के पास लौट के भी आना था। तो सोचने लगे कि अब वापस चलना चाहिए, तो वापस चलने लगे। बेचारे जो है उनके जो भी गुरुजी के शिष्य थे वो फिर कहने लगे, महाराज जी पानी पी लो, खाना खा लो। महाराज जी नहीं खाना खा रहे हैं, नहीं पानी पी रहे हैं, और कह रहे हैं कि नहीं मुझे भागना है। भागते रहे, घोड़े भी भागते हैं, कहते हैं आप थक गए हैं, महाराज जी बैठ जाओ। महाराज जी नहीं बैठते हैं क्योंकि अगर बैठ जाएंगे तो हमारी ज़मीन इतनी नहीं मिल पाएगी, हम बाजी हार जाएंगे, इसलिए नहीं बैठते हैं। बहुत कहते हैं गुरु जी, नहीं बैठते हैं। और भागते रहे, एंड में आके गुरु जी के पास आ नहीं पाए, उससे ही पहले बेहोश होके गिर पड़े। यहाँ तक हुआ कि गुरुजी जब तक पास में आए तब तक उनकी अंतिम सांस भी निकल चुकी थी। दोस्तों इतना बड़ा मतलब उनने अपने दिमाग में वहम बैठा लिया था कि हम इतना ले लें, मतलब कोई उनके दिल में संतोष ही नहीं रहा कि चलो इतने में ही ठीक, उनके मतलब संतुलन बिगड़ गया था। उनका धन देख के गुरुजी की मतलब भावना सोची, गुरुजी ने कह दिया है कि जितने भाग लो उतना तुम्हारा, तो उनने ये नहीं सोचा कि ये कर किसके लिए रहे हम। अंतिम सांसें भी गुरुजी की निकल जाती हैं उस समय। गुरुजी कहते हैं कि भाग मतलब चेला हो तो ऐसा हो, मतलब उसने अपनी दम तोड़ दी और धन दौलत के चक्कर में, लालच के चक्कर में दम तोड़ दिया, पर उनने सांस नहीं ली, पानी को नहीं पिया है। तो इसलिए बहुत छोटी कहानी है दोस्तों, एक बहुत अच्छी ये सीख देने वाली कहानी है। ये आप सोचिए, इससे गौर से दिमाग से आप सोच करके तब बताइए कि किसके लिए भागते रहे। लोग धन के पीछे भागते रहते हैं, अंत में आए कुछ भी नहीं साथ में जाता है। दोस्तों जाना है तो खाली हाथ ही जाना है, कुछ भी लेके नहीं जाना है। हमारे वो महात्मा जी थे, इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, और वो जितनी भी ज़मीन थी जो लेना चाहते थे वो यहीं की यहीं पड़ी रही, गुरुजी की बनी रही, और उनके पास कुछ भी नहीं गया, उनके साथ में कुछ भी नहीं गया। तो दोस्तों अगर मेरी इतनी छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, इससे कुछ सीख मिलती हो, तो कृपया कमेंट शेयर लाइक ज़रूर कर लें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और दोस्तों इतना ही, बाय। आगे के लिए ऐसी कहानी आपके लिए सुनाती रहूँगी। बाय।